नमस्कार, मैं वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। डेंटल चेकअप जो है एक काफ़ी बेसिक नीड है हर ह्यूमन बींग्स की, और हर कोई चाहता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान को एटलीस्ट 3 मंथ्स में रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन ये जो डेंटल चेकअप है इसके जो रेट्स है काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं और हर कोई इंसान इसको अफोर्ड नहीं करता है। लेकिन आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे 2 डॉक्टर्स से जो कि ये बिलीव करते हैं कि हर ह्यूमन की एक बेसिक नीड होती है डेंटल चेकअप, और उनको ये जो चीज़ है जो एटलीस्ट चेकअप है वो उनको कम से कम रेट में मिलना चाहिए। आज हमारे साथ है डॉक्टर चिराग और डॉक्टर इशिता, जिनका ताजबाग में पाटिल जनरल एंड डेंटल क्लिनिक करके एक क्लिनिक है, जहाँ पर वो जो डेंटल चेकअप है, जो फर्स्ट चेकअप रहता है उनका और बाकी के भी जो चेकअप्स रहते हैं, वो सिर्फ मात्र 50 रुपीज़ में करवाते हैं विथ फ्री एक्सरे। तो आज उनसे जानते हैं कि कहाँ से उनको ये मोटिवेशन मिली है। सर, मैं डॉक्टर चिराग पाटिल, MDS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मेरा ताजबाग परिसर में डॉक्टर पाटिल जनरल एंड डेंटल क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है। ये क्लिनिक की स्थापना 1984 में मेरे पिताजी ने किया था। उनका मेन मोटिव ये था कि वो परिसर में जितने भी लोग हैं उनको मेडिकल जो दवाइयाँ है, जो उनको सर्दी बुखार है, वो उनको कम से कम दर में और अफोर्डेबिलिटी में मिलने को होना। अब वहाँ जितने भी लोग हैं, वहाँ जो आते हैं, हाँ, वहाँ गरीब से लेके अमीर तक सब जन एट अ वेरी मिनिमल रेट्स में उनका ट्रीटमेंट होता है। अब उनका ये बोलना था कि बेटा, जब उन्होंने हमको पढ़ाया था तब उनका ये बोलना था कि बेटा तुम जिंदगी में सब कुछ पा लोगे, पर ये परिसर में तुमको जो मैंने इतने साल जो इनको सर्विस दी है, मेरा नाम और इनको सर्विस देना बंद नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ तुमको आके जो मैंने तुमको पढ़ाया है, जो मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो तुम्हारा भी एक कर्तव्य बनता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ आपको सर्विस देना ज़रूरी है। तो फिर वो सोच होने के बाद फिर हमने ये सोचे कि हम क्या करेंगे। अब मैं जैसे ओरल कैंसर में बहुत सारे हॉस्पिटल में अटैच हूँ, तो वहाँ जितने परिसर में जितने भी पेशेंट्स रहते हैं, जितना हो सके मैं उनको फ्री में हो सके जो कीमोथेरेपी है, जो सर्जरी है, जितना कम हो सके मैं उनको कम करके देता हूँ। जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, जिनको जैसे प्राइवेट में कराना है, जो जितना अफोर्डेबल हो सके या जितना कॉस्ट कटिंग करके उनका ट्रीटमेंट हो सके, हम वो भी कराने की कोशिश करते हैं। फिर बाकी के समय, जैसे हर समय तो हम कैंसर ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फिर पिताजी ने बोला कि तुम जैसे तुम BDS हो के MDS हुए हो, तो तुम यहाँ डेंटल सर्विसेज भी अवेलेबल कीजिए। फिर हमने डेंटल सर्विसेज 2021 में यहाँ चालू किए। फिर हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा गैप था कि हर कोई आके हमको दिखाने के लिए डरता था कि सर आप पहले फीस बताइए फिर ही हम आपको दिखाएंगे। तो हमने फिर जो फीस है वो एट अ वेरी मिनिमम रेट 50 रुपीज़ में हम उनको बताए कि आप दिखाइए तो सही। फिर वो बोले सर फिर आप एक्सरे का भी हमको, हमारे पास सर उतने पैसे नहीं हैं। तो फिर ऐसे ये शुरुआत हुई कि हमने जो क्लिनिक का है वो 50 रुपीज़ ही OPD चार्ज रखा है, और जो डेंटल एक्सरे है वो पूरा फ्री रखा है। तो पेशेंट बिना संकोच के वो अपना पूरा जो ट्रीट, जो उसको जो कॉज हुआ है या उसको जो तकलीफ है वो देख सकता है। यहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो मोटिवेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी आप लोगों की, जहाँ से भी आप इंस्पायर हुए आपके फादर से, बहुत ज़्यादा अच्छा आपने ये चीज़ शुरू किया है। क्योंकि आजकल के जनरेशन में लोगों को हर कोई इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो आप लोगों का ये जो आइडिया है ये काफ़ी अच्छा है। आप अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारा क्लिनिक डॉक्टर पाटिल जनरल एंड डेंटल क्लिनिक है, ये ताजबाग परिसर में आशीर्वाद नगर में आता है।
एंड कैसे ये सेटअप जो है 2 फ्लोर का सेटअप है, सारे डिजिटल एडवांसेस हमने प्रोवाइड करते हैं हम एक ही पेशेंट को एक ही रूफ में, सारे प्रोसीजर्स जो है वो एक ही जगह पूरे कैरी आउट होते हैं। एंड देखिए जैसे कई डेंटिस्ट रहते हैं कि वो कैंप्स लेते हैं, फ्री डेंटल चेकअप रखते हैं, फ्री डेंटल डेज रखते हैं चेकअप के, तो हमने ये जो हम कर रहे हैं ये जो 50 रुपीज़ में हम डेंटल चेकअप कर रहे हैं, ये हमारा रोज़ का एक कैंप ही है, कि सोशल कैंप सोशल अवेयरनेस ही है, जो हम चाहते हैं कि लोग संकोच ना करें अपने डेंटल प्रॉब्लम्स आके हमको खुल के बताए, क्योंकि सबसे पहला तो यही रहता है कि वो डरते हैं कि अरे हम दिखा देंगे दांत में दर्द है तो डॉक्टर देखने की 1000 रुपये हमसे ले लेगा। जो इन एंड अराउंड डेंटिस्ट है वो एक ओपीडी चार्जेस 500 तक चार्ज करते हैं, एंड एक्सरे अगर उसमें एडिशनल रखता है तो और 300-400 रुपीज़ उसमें कॉस्ट ऐड अप हो जाता है, तो ऐसे करके 700-1000 रुपीज़ फर्स्ट विजिट में ही पेशेंट को पे करना पड़ता है। एक जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो तो बहुत लेटर आता है, ये तो सिर्फ चेकअप का ही है, उसमें पेशेंट के इतने पैसे चले जाते हैं। तो जो डर था हमें बेसिकली सबसे हटाना था कि वो एक वो जो गैप थी वो होनी नहीं चाहिए, पेशेंट ने खुल के आके हमको बताना चाहिए। और एक स्माइल जो अपन को भगवान ने दी है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि स्माइल करते हैं अपन, एक्सप्रेसिव होता है इतना। तो मैंने देखा है जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, चाहे दांत खराब हो, गंदे हो, आगे हो, आड़े टेढ़े हो, नहीं हो, या दांत कोई मिसिंग है, तो उनको एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि वो 4 लोग में खुल के स्माइल भी नहीं करते, हंसते भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हमको सोसाइटी से हटानी है कि एक स्माइल जो सबसे ब्यूटीफुल है उसे हमें डिज़ाइन करना है हर एक पेशेंट को, एंड हर पेशेंट शुड बी अफोर्डेबिलिटी जहाँ इशू आती है तो हर पेशेंट को हम अफोर्डेबल रेट्स में सारी प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे मार्केट रेट से हम 40% लेस में सारे प्रोसीजर्स पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रूट कैनाल हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शंस हो, चाहे वो दांत लगाना हो, दांत निकालना हो, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो, जहाँ पिन लगाते दांत, जिनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट चार्जेस हम 40% लेस चार्ज करते हैं, ताकि ईच एंड एवरी पेशेंट इन एंड अराउंड जो सारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इंक्लूड होते हैं वो आके ट्रीटमेंट कर सके। तो ये तो हो गई हमारी बात अबाउट जो हमारे नॉर्मल चेकअप्स वगैरह होते हैं, बट रूट कैनल भी जो एक चीज़ जो अभी आपने मेंशन करी, ये सबसे ज़्यादा आई गेस आप लोगों की डेंटिस्ट केस में बहुत ज़्यादा हायर रेट्स पे होती है, इसके जो रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ले लेते हैं, तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? और दूसरी चीज़, लोग अक्सर ये समझते हैं कि अगर इसका ये जो प्राइस है 50 रुपीज़ है तो हो सकता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लो होगा, या इनकी टेक्नोलॉजीज अच्छी नहीं होंगी, या अप टू द मार्क नहीं होंगी ये डेंटिस्ट, तो आपका इस पर क्या है कहना? सबसे पहले तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन एंड अराउंड एरिया में हमारा जो सेटअप है वो 2 फ्लोर का सबसे बड़ा है। हमारे पास 2 डेंटल चेयर है विथ एम्पल ऑफ स्पेस, एम्पल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट विथ वेरी एडवांस टेक्निक, और जो एडवांसमेंट में जितनी टेक्निक्स रहती है वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, जो बाहर जितना भी कॉस्ट है जो रूट कैनल का, उनसे मोस्टली 40% या 50% लेस में हम करके देते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी पेशेंट इतना भी हो जाने के बाद कभी कभी उनको पैसे की प्रॉब्लम रहती है कि सर आज मेरे पास इतना ही पैसा है, सर आज मेरे पास नहीं जमता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमने और एक सर्विस किया है कि आप आपके हिसाब से पैसे दे सकते हैं, आपको आप आपके हिसाब से जैसा हो सके आप वैसा आप हमको पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जब लगता आप तब पेमेंट कर देना, ये एक सर्विस है सर। मैम, जैसे सर ने बताया कि वो ओरल ओरल कैंसर और जितने भी बाकी के कैंसर्स होते हैं उनको भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी इस क्लिनिक में और आपकी भी और स्पेशलिटीज़ क्या हैं? देखिए, मैं MDS हूँ ऑर्थोडोंटिक्स में, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में, तो मेरा मेन स्पेशलिटी है ब्रेसेस ट्रीटमेंट का, ब्रेसेस एंड इन अराउंड जो जॉ का जो अरेंजमेंट होता है उनको, यानी कॉस्मेटिक करेक्शंस का और ब्रेसेस ट्रीटमेंट का मेरा स्पेशलिटी है। तो कैसा मैंने देखा है कि अब तक जितने भी प्रैक्टिस में जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, तो जिनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं या आगे पीछे होते हैं या बहुत ज़्यादा सामने होते हैं, तो वो एक
लोग उनको नाम रखते हैं, चिढ़ाते हैं, जो इन एंड अराउंड फ्रेंड सर्कल होता है, तो मैंने देखा है कि वो जिनको भी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत हंसने में, खुलने में, बात करने में वो लोग शर्माते हैं, वो उनको एक इंट्रोवर्ट टाइप्स हो जाता है, तो वो एक सोशली वो लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, तो सिर्फ दांतों के प्रॉब्लम को लेकर. तो मुझे लगता है ये जो एक गैप है ये नहीं होनी चाहिए, तो हम उसके लिए ये सब स्टार्ट किए हैं मोटिवेट होके कि ये सारा ट्रीटमेंट अफोर्डेबल रेट्स में हमको देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, और उनका ये स्माइल करेक्ट करनी है ताकि ये सोशल स्टिग्मा उनमें से ख़त्म हो जाए. इसके अलावा भी, जैसे ब्रेसेस वगैरह के अलावा भी, आपके क्लिनिक में और क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती है अदर देन डेंटिस्ट के अलावा? हमारे यहाँ स्किन और हेयर का भी सारे ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स कैरी होते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं, पीआरपी थेरेपीज होती है, वेरियस टाइप ऑफ मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं. ये आप लोग ने आज जाना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो डॉक्टर इशिता है और डॉक्टर चिराग सर जो हैं बहुत अच्छे से अपना ये सोशल अवेयरनेस का कैरी ऑन कर रहे हैं. उनके एंसेस्टर्स से, उनके फादर ने उनको ये मोटिवेट किया था अबाउट दिस. तो आप लोगों से भी, हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 के जो दर्शक हैं उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डेंटिस्ट की, डेंटल प्रॉब्लम्स आपकी कोई भी हो, तो आप बिल्कुल इनके क्लिनिक में जाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका वेलकम करेंगे. प्लस जैसे कि आज आपने जाना ये सुन के कि उनका जो नॉर्मल चेकअप है वो भी सिर्फ 50 रुपीज़ से शुरू होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अफोर्डेबल रेट है. साथ ही में आगे के भी जो आपको कुछ ट्रीटमेंट करवाने रहेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में आपको गारंटी करते हैं कि वो आपको देंगे. इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं. देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को. नमस्ते. मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है. व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है. ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स. 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर. प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी. त्रिशा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो. ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग. अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर. ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक. स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प. 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक. मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली. हमारा पता त्रिशा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर. अवर कॉन्टैक्ट 7709877121.
सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूमधड़ा का सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। थाईलैंड के बाद नागपुर में पहली बार सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम एंटाना, सिर्फ नागपुर में का ट्रीट फिश, जहां आपको मिलेंगे मनोरंजन के लिए भव्य झूले, स्वादिष्ट खाना और खरीदारी के लिए फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी आदि भव्य दुकानें। महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देश्य संस्था द्वारा प्रस्तुत नागपुर मेगा ट्रेड फेयर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य मेला। तो अपने पूरे परिवार के साथ आज ही आइए मेगा ट्रेड फेयर, जो कि है रेशम बाग मैदान नागपुर में।